गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस जैस्मिन अगेन विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज आप मुझे ऐसे देख रहे हो, इट्स बिकॉज आज फिजू का स्कूल का पहला दिन था, तो मुझे मेरे स्कूल का पहला दिन याद आ गया एंड मुझे मेरे स्कूल डेज याद आ गए। तो मैंने सोचा कि चलो दो फ्लैट्स बना के देखती हूँ। कितने दिनों बाद फ्लैट्स बनाए मैंने। एक्चुअली स्कूल में जब पहली बार मैंने अपने बाल बढ़ाए थे ना, तो मेरे बाल का लेंथ इतना ही था, इससे छोटा था। एक्चुअली चोटियाँ आती नहीं थी, बट मुझे बहुत शौक था चोटियाँ डालने का, तो मुझे मम्मी चोटी डाल के भेजती थी स्कूल। तो मुझे ऐसे ही आज का फिजू का स्कूल डेज देख के आज याद आ गया कि मैं क्या करने वाली हूँ। अभी आफ्टरनून हो चुकी है, सुबह का ब्रेकफास्ट आपने देख लिया, जैसे कि एग वाइट, गार्लिक ब्रेड एंड बॉइल्ड एग वगैरह सब बनाया था मैंने। नॉट बॉइल्ड एग, क्या बनाया था मैंने, ऑमलेट बनाया था, कैप्सिकम ऑमलेट था वो, तो सब कुछ खाया हमने। तो एक बात के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे तीन दिन से ना इतना बेचैनी हो रही है, बिकॉज अभी जुरासिक वर्ल्ड मूवी रिलीज होने वाली है वेडनेसडे को यहाँ पे सिंगापुर में। तो उसके लिए मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो बुक नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं मिला, बट फर्स्ट डे थर्ड शो मिला है मुझे। तो थर्ड शो का टिकट्स हमने ऑलरेडी बुक कर लिया एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मूवी देखने के लिए। मुझे जुरासिक पार्क जब फर्स्ट टाइम आई थी ना स्कूल डेज में, तब से मुझे वो मूवी बहुत पसंद है एंड मुझे बहुत ज़्यादा वो मूवी ना थ्रिल देती है, मतलब एक्साइटमेंट देती है मुझे। तो मैं, भैया, पापा फर्स्ट टाइम वो अमृत थिएटर हुबली में जुरासिक पार्क मूवी देखने गए थे हम। अब अमृत थिएटर तो अब रहा नहीं, मतलब कुछ कुछ हो गया है वो आई थिंक। तो वहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम वो मूवी देखी थी एंड तब से मुझे जुरासिक पार्क मूवी बोले तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। एंड अभी तो उसमें सारे पुराने एक्टर्स, नए एक्टर्स सब मिला जुला के, सारे जुरासिक सीरीज के एक्टर्स मिला के एक मूवी बनाई है, तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड। तो मुझे फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाना था, बट उसके टिकट्स ऑलमोस्ट फुल थे, तो इसलिए फर्स्ट डे थर्ड शो के टिकट लिए हमने। तो वो जाने के लिए बहुत बेताब हूँ मैं। आज है मंडे, बट अभी दो दिन वेट करना पड़ेगा मुझे वो मूवी देखने के लिए। सो आज के दिन की शुरुआत ऐसे करते हैं। एंड शाम को मुझे कहीं बाहर जाना है, थोड़ा सा काम है मुझे, तो वो काम जाने से पहले मैं शाम का डिनर बना के रख के चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे जाना है अराउंड 5:30, तो आने तक मुझे 7 हो जाएंगे, तो 7:00 के एंड 7:30 के बीच हम डिनर कर लेते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि वो रूटीन हमारा टूटे एंड चेंज हो, तो उसके लिए मैं जल्दी से डिनर अभी से बना के रख रही हूँ। तो आपको साथ लेके चलती हूँ, क्या क्या बना रही हूँ वो आपको दिखाऊंगी। आज मैं पनीर बनाने वाली हूँ, माई स्टाइल ऑफ पनीर, तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनाना है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यम्मी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। ओके, सो लेट्स गेट गोइंग टू किचन। मैंने सोचा कि थोड़े बहुत फ्रूट्स वगैरह, ये देखिए पनीर को मैंने ऑलरेडी पानी में भिगो के रख दिया है डिफ्रॉस्ट होने के लिए। एंड यहाँ पे मैंने सब्जी के लिए ये हरी मिर्च को पानी में भिगो के रखा था, ठीक है, इसको निकाल देंगे। एंड ये टमाटर भी जाएंगे पनीर की सब्जी के लिए। और ये ऑरेंजेस का भी मैं जूस बना के पीऊँगी, थोड़े ठंडे हो जाएंगे ना ऑरेंज, तो पानी में भिगो के रखे थे। सो अब इसकी इसका जूस बनाऊँगी एंड देन सब्जी को तैयार करूँगी पनीर की। सो मैं इसमें बनाती हूँ जूस जनरली, तो ये वाले अगर बड़े वाले होते हैं ना, तो उसके लिए ये यूज़ करना होता है। अगर ये छोटा है तो फिर मैं ऐसे यूज़ करूँगी एंड ऑरेंजेस को काट के भी जूस बनाऊँगी। तो देखिए सबको पीस लेना है अभी, मतलब मिक्सी ग्राइंडर में डालना है। तो हरी मिर्च आप अपने हिसाब से लीजिए, हमको स्पाइसी पसंद है तो ज़्यादा हरी मिर्च है यहाँ पे। एंड इसकी क्वांटिटी मैं जैसे बता रही हूँ वही यूज़ कीजिएगा। कि टमाटर अगर आप 4 ले रहे हो तो 2 अनियन लीजिए, अगर टमाटर 6 ले रहे हो तो 3 अनियन, तो जितना टमाटर लोगे उसका आधा अनियन। तो यहाँ पर मैंने 5 टमाटर लिए थे तो 2.5 अनियन डाला है यहाँ पे। एंड अदरक का इतना सा टुकड़ा, मतलब 1 इंच से तो 1.5 इंच तक का टुकड़ा, ये अभी सबको हम मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेते हैं एकदम फाइन पेस्ट में। अब इसमें देखिए ऑयल एंड बटर दोनों डाल दिया गया है, तो ये आपके क्वांटिटी के हिसाब से डाल लीजिएगा आप। इसमें डलेगी थोड़ी सी हल्दी, फिर डलेगी थोड़ी सी लाल मिर्च एंड बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा धनिया और फिर थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। एंड जो हमने अभी जो ग्राइंड कर लिया है उसको इसमें फिर डाल देंगे, ये जो ग्राइंड करके रखा है इसमें भी डाल देंगे। तो अब इसको अच्छे से इसमें से तेल ऑयल सेपरेशन होने तक इसको पकाएंगे एंड इसमें से जो कच्ची स्मेल है वो भी चली जाएगी। सभी मैं बाहर जा रही हूँ, किससे मिलना है, मुझे कुछ काम है, ऑलरेडी लेट हूँ मैं, फटाफट से भाग रही हूँ।
एंड ये मत सोचिएगा हमेशा यही टी शर्ट पहनती हूँ, ये हमेशा पहनती सच वो सच है जो आप सोच रहे हो, मगर ये हमेशा धो के पहनती हूँ मैं, ऐसा नहीं है मतलब दो बार पहनने के बाद धो के फिर इमीडिएटली ये पहन लेती हूँ। लूज़ है, कम्फर्टेबल है, यहाँ के मौसम के लिए परफेक्ट है, इसीलिए मैं हमेशा यही इसी में आपको ज़्यादातर दिखूँगी घर पर जब भी मैं घर के आसपास रहती हूँ। तो फटाफट से जाती हूँ, पहले काम ख़त्म करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। फाइनली जहाँ आना था वहाँ पहुँच चुकी हूँ मैं एंड वेट कर रही हूँ। सो मैंने टिकट्स भी ले लिया, एक्चुअली टिकट्स भी लेना था मुझे यहाँ के, तो वो जब हम एडवांस बुकिंग करते हैं ना तो टिकट लेना पड़ता है, तो वो टिकट भी ले लिया मैंने, घर जाके दिखाऊंगी आपको। तो उसके ऊपर वो टिकट अगर आप जब ले रहे हो ना तो उसके ऊपर पॉपकॉर्न वगैरह पे भी ऑफर है, मगर पॉपकॉर्न का ऑलरेडी कूपन सनी ने ले लिया है, दो कूपन दो पॉपकॉर्न हम दोनों के लिए। सो ये अभी ये फटाफट से ये ख़त्म करके फिर घर जाती हूँ। एंड पनीर मैंने आधे में छोड़ के आया है, मतलब आधा किया मैंने, आधा करने के बाद वहीं पे छोड़ दिया क्योंकि मुझे आना था अर्जेंसी, मुझे एकदम से याद आया कि ओ मेरा टाइम निकल रहा है, तो फटाफट से मैंने पनीर ऐसे ही छोड़ा एंड आ गई। घर जाने के बाद कंटिन्यू करूँगी उस पनीर को, फिर आपको मिलती हूँ वहाँ पे। सो मैं अभी हो गया मेरा काम, बाहर आ गई हूँ, बेमाटी की तरफ जा रही हूँ। इतना सर में दर्द होने लगा एकदम से, आई थिंक ये ऑक्सीजन की कमी से होता है जब मास्क पहनते हैं हम, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। तो मैंने एक कॉफ़ी ले ली, वहाँ पे एक कैफ़े था अंदर छोटा सा बहुत प्यारा सा, बैठ के नहीं पीना था मुझे क्योंकि घर जाके काम करना है, भी खाना वाना बनाना है, तो इसलिए मैंने टेक अवे ले लिया कॉफ़ी। तो ये पीते हुए जा रही हूँ, बहुत गंदा वाला दर्द हुआ मुझे सर में। तो बस अभी घर वापस आई एंड पनीर को मैंने फिर से रख दिया है, देखिए फिर से उसको होने के लिए रख दिया है। एंड ऐसा सर दर्द हो रहा था मेरा, पूरी कॉफ़ी मैंने जैसे ही MRT से बाहर आई ना, MRT में तो पी नहीं सकते हो, MRT स्टेशन में भी पीना अलाउड नहीं है, $500 फाइन होता है यहाँ पे खाने पीने पे, MRT स्टेशन के अंदर से लेके MRT तक लेके पूरा। तो इसीलिए घर आने के बाद आते आते पी लिया मैंने फटाक से। एंड अभी शाम हो गई है, बहुत सुंदर शाम हुई है, देखिए देखिए बहुत सुंदर है मौसम। अभी फटाफट से सबसे पहले ये पनीर के देखो, तब तक इसका ऑयल नहीं निकल जाएगा ना, ये देखिए इसको ऑयल निकल जाने तक इसको पकाएंगे। तो अभी सबसे पहले मैं आटा गूंद लेती हूँ क्योंकि थोड़ा आटा भीग जाएगा तो रोटी अच्छी बनेंगी ना। अच्छा हुआ है मुझे एयर फ्रायर ना स्टैंड के जैसे हो गया है, इस पर मैं अपना कैमरा रख सकती हूँ, ट्राइपॉड नहीं लगाना पड़ता। इतनी खुश हुए मालूम सब लोग घर पे, जब मैंने दो चुटियाँ दिखाई ना, मैंने बोला ये फिजू के लिए डेडिकेटेड है क्योंकि वो आज पहले दिन स्कूल गई है, तो उसके लिए ये चुटियाँ बनाई हैं मैंने, खुश हो गए सब लोग। तो ये देखिए आटे को मैं हमेशा छान के लेती हूँ, चाहे वो पैकेट से अभी भी निकाला हो कुछ भी हो, हमेशा छान के लेती हूँ। एक्चुअली मम्मी पापा इतने इस चीज़ में स्ट्रिक्ट है मालूम कि वो हमेशा आटा जैसे ही, वहाँ तो हम जो फ्लावर मिल होता है ना गिरनी बोलते हैं जिसको, उसमें पिसाते हैं हम आटे को, रेडीमेड आटा नहीं लाते हमारे घर पे हुगली में, तो जैसे ही आटा आता है ना वो छान के रख देते हैं, सबसे पहला काम छान के रख देते हैं। जैसे सूजी आई तो उसको भून के रख देंगे ताकि उसमें कीड़े ना हो, एंड आटा आया तो फर्स्ट उसको छान के रखते हैं। मगर यहाँ पे ना मतलब पैकेट में से मेरे पास इतना बड़ा बर्तन नहीं है जहाँ पे मैं आटे को छानूं, तो मैं इसलिए जब भी लेती हूँ ना उसको छान के ले लेती हूँ, चल जाता है। सो अभी यहाँ देखिए ऑयल सेपरेशन हो रहा है ना, ये देखिए पूरा ऑयल निकल रहा है ना इसमें से। तो अब इसमें हम मसाले डाल लेते हैं। तो अभी इसमें डलेगा नमक, फिर डलेगा थोड़ा सा केचप, डलेगा कसूरी मेथी, फिर डलेगा किचन किंग मसाला, फिर डलेगा थोड़ा सा गरम मसाला, इसको हमें मिक्स देते हैं। जब मैं थोड़ी सी इसमें ना कश्मीरी मिर्च डालूँगी थोड़े वो कलर के लिए, क्योंकि आँखों से खाते हैं ना तो थोड़ा सा कलर आता है तो अच्छा लगता है इसमें। ये मसाला भी भून चुका है, थोड़ा सा धनिया डाला क्योंकि मुझे धनिया से कुछ अलग लेवल का प्यार है। तो अब इसमें मैं पनीर डाल रही हूँ, इसके बाद मैं क्रीम डालूंगी, और जितना लिक्विड चाहिए ग्रेवी उस हिसाब से आप लिक्विड कर सकते हो। ये कैशूनट वाली ग्रेवी नहीं है, कैशूनट वाली ग्रेवी अलग टाइप की बनती है। और सो अभी डलेगी क्रीम, पनीर तैयार है देख सकते हो, ये कितना मस्त बना है, एकदम ऑयल वॉयल निकल के एकदम यमी बनता है। ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा घर में, बहुत अच्छा बनता है, रेस्टोरेंट स्टाइल बनता है एकदम पनीर। सो ये रही रोटियाँ,
प्रॉपर। एंड ये सैलड आप जरूर बना के देखिएगा। ये कीवी है जिसका स्किन मैंने निकाल दिया है, पील कर लिया है। अनियन है, बेबी टोमेटोज हैं, चेरी टोमेटोज, आप नॉर्मल टोमेटो भी यूज़ कर सकते हो। एंड आज मैं खीरा है तो ये क्यूक्यूम्बर डाल रही हूँ, बेबी क्यूक्यूम्बर्स हैं ये। एंड थोड़ा सा धनिया, तो इसमें ये सारा कट करके जैसा भी आपको कट करना है, डाइस करना है, लंबा लंबा कट करना है, जैसे भी आप कट कीजिए, उसमें नमक और नींबू डाल दीजिए। एंड इसको मिक्स कीजिए अच्छे से। एंड ये सैलड को बना के खाइएगा, बहुत टेस्टी होता है। जब जब मैंने बनाया है सभी गेस्ट ने भी मुझे कॉम्प्लीमेंट किया है। एंड ये जो पार्ट है ना, ये इसका एकदम टेस्ट चेंज कर देता है। अभी ऑलमोस्ट रात के 1 बज चुके हैं एंड सनी कंप्लेंट कर रही हैं कि उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो इसीलिए मैं भी उनके लिए अजवाइन का पानी बना के दे रही हूँ। तो अजवाइन को बस कूट रही हूँ ऐसे ही एंड उसको पानी में डाल के फिर दे दूँगी। मे बी शायद उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले उससे, क्योंकि अजवाइन जनरली पेट को बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है, तो इसीलिए मैं अजवाइन का पानी दे रही हूँ उनको, वही बना रही हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था कि शाम को मैं टिकट्स लेने गई थी ना मूवी के, तो कल हमारा मूवी का शो है। मैंने एक्चुअली आज कोई व्लॉग नहीं किया है, कल जब टिकट्स लाई थी उसके बाद डायरेक्टली आज व्लॉग कर रही हूँ। तो एक और बात मुझे आपको बतानी थी कि मैंने क्या किया मालूम, आज मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया एंड वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पानी उबल रहा है तो इसका मैं थोड़ा देख रही हूँ। तो मैंने आज कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, तो मैं करेले बनाती हूँ ना, जैसे वो डीप फ्राई करके फिर मैं उसको तड़का लगा के बनाती हूँ। तो मैंने आज क्या किया डिफरेंट कि करेले को मैंने एयर फ्रायर में डाल दिया एंड फिर उसको तड़का लगाया, सेम टेस्ट था, कोई डिफरेंस नहीं था। थोड़ा सा ऑयल छिड़का था मैंने एयर फ्रायर में, छिड़का था ओके, डाला नहीं था, एंड देन फिर तड़का लगाया। बहुत अच्छे बने थे करेले आज, मस्त बने थे एकदम। तो ये देखिए पानी उबल रहा है अजवाइन का, तो अभी ऐसे मेरे को देती हूँ एंड उसके बाद मैं आपको कल मिलती हूँ जब हम मूवी जाने वाले हैं। अब तो मैं सो रही हूँ, आज पता नहीं बहुत नींद आ रही है एंड बाल भी धोए हैं तो नींद बहुत आ रही है। सो गुड नाइट।